लगा रहे हैं कैपी बट बचपन अपनी माता जी को मैं कुछ नहीं दे पा रहा हूँ। मैं इस बार भी नौकरी नहीं लग पाया तो इसलिए थोड़ा मुझे अजीब लग रहा है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो गाइस आज बहुत स्पेशल दिन है, जिस दिन का मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतजार था तो वो दिन आ गया है गाइस। तो आज के दिन ही तुम्हारे भाई का जन्मदिन हुआ था गाइस। आज के दिन में अपने इस पवित्र घर में जन्म लिया था, मेरी माता जी ने मुझे यहाँ पर जन्म दिया था। तो गाइस क्या ही कहूँ उनके लिए, तो सबसे पहले तो मैं उनको बहुत 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 बड़ा थैंक यू कहना चाहता हूँ। वैसे तो मुझे काफ़ी आज पॉजिटिव फील हो रहा है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा डर भी लग रहा है यार, थोड़े अपने पागल दोस्तों से अटैक होने वाला है मेरे ऊपर गाइस। मुझे पता है आज बहुत ही ज़्यादा उनकी प्लानिंग हो रखी है, बहुत ही खतरनाक। इतनी ज़्यादा प्लानिंग तो ISIS वाले भी नहीं करते हैं, जिन्होंने मेरे लिए आपके प्यारे प्यारे भाई के लिए इतनी बड़ी साजिश की गई है। और मैं भी देखूँ, मैं बेड में सोया हुआ हूँ, बेड नहीं नहीं बेड तो नहीं लग रहा है ये, मुझे चारपाई में सोया हूँ। चारपाई समझते हो आप? चारपाई हमारी लोकल लैंग्वेज में बोला जाए तो खटिया में सोया हुआ हूँ और बिल्कुल बढ़िया तरीके से जन्मदिन के दिन भी मैं डांट खा रहा हूँ। ओ माई गॉड, कितनी अच्छी किस्मत है मेरी बाबा, कितनी अच्छी किस्मत है रे। तो गाइस आज का व्लॉग आपको पूरा देखना है, एक भी स्किप नहीं करना है। और आज का बहुत ही बेहतरीन व्लॉग होने वाला है और बहुत ही स्पेशल व्लॉग होने वाला है, क्योंकि आज बहुत ही स्पेशल दिन है मेरे लिए और उन समस्त लोगों के लिए जो मेरे काफी नज़दीक हैं। और मेरे परिवार वालों के लिए तो बहुत ही स्पेशल दिन होगा ही होगा। एक सदस्य की बढ़ोतरी हुई और एक नया मेहमान आया था। कौन आया था? वो तुम्हारा भाई आया था। अब मेहमान कहो चाहे शैतान कहो, आज की डेट में एंड तक बने रहना ब्लॉग में, बने रहना लगातार, ठीक है गाइस। तो गाइस मम्मी जी भी आ गई हैं मिट्टी निकालकर, और आज मिट्टी निकालने मम्मी जी थोड़ी दूसरी जगह गई थी, उस जगह में नहीं गई थी, तालाब में। तालाब में तो आपको पता ही है, तालाब में सख्त जाना मना हो गया है अब। मना तो नहीं हुआ है, खाली हमारे लिए मना था वो गाइस। हमें पता है यार, जो लोग डेली निकाल रहे हैं उनसे कोई कुछ नहीं कह रहा है, पर हमारे लिए यार जब हम निकाल रहे हैं तभी आप ऑब्जेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब आप जल रहे हो। बंदे की तरक्की नहीं वेखी जान दी है यारा, ऐसा ही हुंदा है। तो फिर तो स्वागत है हमारे ब्लॉग में। आज मेरा जन्मदिन है, बहुत बहुत थैंक यू मुझे जन्म देने के लिए। और इस घर में मेरा जन्मदिन हुआ है, मैं बहुत खुद को लकी समझता हूँ कि मेरा इस घर में जन्म हुआ है। और मैं यही चाहता हूँ कि जब जब मुझे नया जन्म मिले, हर जन्म में मेरी यही माँ हो और मुझे ऐसा ही प्यार मिले और यही आशीर्वाद मिले। तो मैं पूछना चाहता हूँ माता जी से, मैं एक मेरा इससे पहले भी एक पुराना घर था, वो शायद थोड़ा कच्चा था, मम्मी जी बता रही थी। कैसा घर था वो? टूटा हुआ घर था, थोड़ा घास वाला था पहले, मतलब पहले घास वाले घर होते थे। तो पहले घास के घर होते थे और घास के घर में ही प्रत्येक साल घास वाले जब बेचने के लिए आते थे हमारे मोहल्ले में घास, तो मम्मी और पिताजी और मेरे जो भी दो बड़े भैया हैं और बड़ी दीदी थी, तो हम लोग घास खरीदते थे। फिर बरसात से आने से पहले ही हम घर की प्रिपरेशन करते थे बढ़िया तरीके से, ताकि बरसात में आपको पता ही है बरसात का पानी अंदर ना जाए। और गाइस ऐसा ही कुछ है, और मैं भी बहुत नालायक हूँ गाइस, मुझे काफ़ी शर्मिंदगी लग रही है। मैं दिनों दिन बड़ा होते जा रहा हूँ और अपनी माता जी को मैं कुछ नहीं दे पा रहा हूँ। मैं इस बार भी नौकरी नहीं लग पाया तो इसके लिए थोड़ा मुझे अजीब लग रहा है। लेकिन भगवान से मैं यही मनोकामना करता हूँ और यही दुआ करता हूँ कि मुझे चाहे जितने दुख मिल जाए, पर जो मेरे परिवार वाले हैं उनकी तरफ, मेरी तरफ से उनको जितनी खुशियाँ मिले मिलते रहें भगवान। तो आपसे यही मनोकामना, पहले मेहनत होगी फिर उसके बाद परिणाम आएगा। भाई बहनों, जो भी लड़का को वीडियो देखो, सभी
लाइक करो, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करना कहने का मतलब है। और हाँ गाइस, अभी हमें थोड़ा मंदिर अंदर भी जाना पड़ेगा। मंदिर में जाकर तुम्हारा भाई थोड़ा पूजा पाठ करेगा। तो देखिए आज बकरा फाइनली फंस ही गया हमारे जाल में। चालान बन गया है बेचारा दीदी का वहाँ पर। तो उत्तराखंड राजस्व में थोड़ी तरक्की हो रही है, बढ़ावा हो रहा है। बड़ी धूप में चालान कर दे रही है। तो गाइस हम मंदिर पहुंच गए हैं और मंदिर में आके देखा तो हमें इतना सारा क्राउड दिखा। देखिए गाइस यहाँ पर जो पूर्णागिरी और बिटा साहिब जाने वाले यात्री हैं वो यहीं पर रुके हुए हैं, थोड़ी देर यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं बेचारे। काफी दूरी तय की होगी इन यात्रियों ने, तब जाके थोड़ा थकान इनको महसूस हुई। बेचारे यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं। देख सकते हो आप मंदिर कितना प्यारा है अपना शिव मंदिर। आपको ऐसे कमाते हैं भाई पैसे। भाई देखो कितनी मेहनत कर रहा है। A few moments later. फाइनली हम लालकोटी पहुंच गए हैं और लालकोटी पहुंच तो गए हैं, पर हमारे साथ वाले पता नहीं कहाँ यहाँ वहाँ तितर बितर हो गए हैं। तो गाइज मैंने रास्ते का ब्लॉग आपको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि ब्लॉग काफी लंबा हो जाता और मैंने घर में ही बहुत ज्यादा काफी शूट किया हुआ है। तो आज का ब्लॉग देखा जाए तो ऑब्वियसली कई ज्यादा लंबा होने वाला है, 15 मिनट क्रॉस करने वाला है आज का ब्लॉग। मैं कोशिश करूंगा कि छोटा ब्लॉग बने और सारे छोटे ब्लॉग में आपको सारा कुछ देखने को मिले इस ब्लॉग में। तो यहाँ पर सभी लोग आ गए हैं, यहाँ पर देख सकते हो आप हमारे नितिन भाई आए हैं और पुष्कर दादा आए हैं अपनी कार लेकर यहाँ पर। तो बहुत ही कीमती समय निकाला हमारे लिए, तो पुष्कर दादा के लिए मैं बहुत ही अपने तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ पुष्कर दादा को। और नितिन भाई देखिए भाई चश्मे में तो क्या ही बताएं, क्या ही हीरो लग रहे हैं। देखिए तरुण, अभिषेक, सचिन भाई ही तुआ है हमारे रिश्तेदार कहने के मतलब भाई लोकल लैंग्वेज है। और सागर को आप देख सकते हो, चुड़ैल वाला लुक धारण कर लिया है सागर ने यार। अब तो निकाल ले भाई, कौन सा है, हवा चल रही है गर्म वाली, काला हो जाओ। ठीक है, यहाँ बैठने का पूरा इंतजाम किया गया है। और वो बुलाने जा रहे हो ना उन्हें? हाँ ठीक है, जल्दी बुला के लाओ यार। ठीक है, ये लोग बुलाने के लिए आ रहे हैं और केक कट करेंगे गाइस, सब सभी लोग आ जाएंगे। तो ठीक है, बुलाने के लिए हाथ में ही देख सकते हो ये प्रेजेंट मुझे मेरे शुभ जन्मदिन के अवसर पर मुझे बड़े भैया पुष्कर दादा ने दिया है। इसमें एक बहुत ही बेहतरीन टी शर्ट है और ये बेहतरीन टी शर्ट बहुत अच्छी लगी मेरे ऊपर, तो मैं आपको अभी ट्राई करके दिखाऊंगा। दादा ने मुझे गिफ्ट दिया है तो मैं अभी ट्राई करके दिखाऊंगा आपको, और आप देखना टी शर्ट में कैसा लगता हूँ तो कमेंट करना गाइस। भाई क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है यार, ये दंगल चलने लग गया यहाँ पे, दंगल यहाँ पर, ऐसा मत करो यार। बाकी हाथ में चोट लगी रही यार, वो नाम ना लिखी कोई ना, अपना बना लेती। बचपन से पचपन दोनों भाई अपने भाई। सागर व्लॉगर साथ करो। हैप्पी बर्थडे संतोष ब्रो।
बचपन से बचपन ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी, ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली, करे जो झक जोरी क्यों ना, सूरज की किरण आने दे मेरे मीत, अब चल जाने दे जो भी बीत, ओ जगे ताने पे ताने दे उनकी सुने ना, देखो सावन आए रे मन हसाए मितवा। और गाइस बहुत बहुत थैंक यू यार आज का दिन मेरा स्पेशल बनाने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा पूरा भूत बना दिया गया है, पूरा हाल ऐसा कर दिया गया है कि कुत्ते के सामने जाऊंगा कुत्ता भी डर जाएगा। ये शख्स है गंदगी फैलाने वाले भी हैं, संतोष के साथ रैली प्रिय भी हैं, इनका प्लान था भाई ऐसे चीटियां चीटियां लग जाएंगी अगर मैं एक जगह बैठ गया तो, पूरा कोल्ड ड्रिंक से ऐसा कर दिया गया है, पूरा गंदा कर दिया कोई। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बावर्ची पार्टी लगी हुई है यहाँ पर, लपेट के लपेट के ग्रेविट। तो इसमें क्या क्या पड़ा है आप बता सकते हैं थोड़ा बहुत? हरी मिर्च, तो गरम मसाला, टमाटर, प्याज, मिर्ची है इसमें, और बकरी के हाथ का टेस्ट है इसमें। तमाम पूर्णगिरी आरओ वाले जो चंद्रपुर में आरओ है वो बिना आधार कार्ड बिना आईडी से वो पानी नहीं देते गाइस, अपना एक कैंपर नहीं देते, बहुत ही कीमती है कैंपर, सोने का कैंपर है उनका गाइस। आगे से आप ध्यान रखें। पर हमारा रात का खाना तैयार हो रहा है और अजीत भाई यहाँ पर बावर्ची बन गए हैं। चिकन लॉलीपॉप यार यहाँ पे खाने वाले कह रहे हैं, इनका फीडबैक है कि कैसा चिकन बनाया है यहाँ पे, मीठा चिकन बनाया, लेकिन इंसान तो ये एक नंबर कड़वा है, मीठा चिकन कैसे बन गया यार मुझे पता नहीं है। और देख सकते हो आप दूर दूर तक खाने वालों की यहाँ पे कतार लगी हुई है, और आगे तक यहाँ पर एक दो किलोमीटर तक यहाँ पर खाने वाले हैं, दूर दूर तक गरीबों की लाइन लगी। और नए मेहमान हमारे बीच वहाँ पर देख सकते हो, अमन भाई के बीच में देखिए आगे नए मेहमान आए हुए हैं, तो यार उनका थोड़ा सत्कार करो खाने के लिए दो, अमन भाई क्या कर रहे हो यार। और आज का दिन बहुत ही यादगार रहेगा यार, बहुत ही अच्छी अच्छी यादें दी और बहुत खराब खराब यादें भी दी यार, कोई यार नए तरीके के बहाने बना रहा है, कोई छप्पर चाह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, रात में एक दो बजे चल भी रहा है दूसरों के काम में, पर हमारे अच्छे काम में नहीं आएंगे यार, आज हमें पता चल गया गाइस, तो दिल में काफी हर्ट होता है यार, अंदर अंदर चुपता है यार दिल बहुत। तो गाइस हमारे मोंटी भाई ने हमें गिफ्ट किया है, मोंटी भाई को लिए बहुत बहुत थैंक यू यार, वीडियो तो आप बन पा रही है नेक्स्ट डे, और यार समझ नहीं आ रहा है हमारा थोड़ा बहुत छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन, वो जो फैमिली के साथ बर्थडे कैसे मनाया जाता है वो आपने देख लिया होगा, वैसे भी एक हम वेस्ट नहीं होने देंगे तो किसी बच्चों को खिला देंगे कि एक हमारी बड़ी बहन, और एक तो आप जानते ही होंगे आपने पहले वीडियो में देखा हुआ तालाब वाली वीडियो में, तो ये हमारी भांजी है और ये हमारी बड़ी बहन है। तो सीन कुछ ऐसा था कि
कल शाम को रात 8:30 के समय ये लोग यहाँ पर पहुँच गए थे घर में, और मैं और कहीं चला गया था और भी दोस्तों से मिलने के लिए, तो केक लेने के लिए आए थे भैया। इन लोगों ने मुझे सोचा हुआ कि सरप्राइज करने के लिए, और कहा तो मैंने इनको ऐसा सरप्राइज दे दिया कि क्या ही बताएं, गजब खतरनाक सीन हो गया। मैं और कहीं बाहर घूम रहा हूँ और ये केक वगैरह लेके घर में आ गए हैं। तो गाइज यार मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है और बहुत ही अफसोस हो रहा है, और मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाया जिस समय बर्थडे सेलिब्रेट करना था, जिस समय के अनुसार उस समय नहीं कर पाया अपनी फैमिली के साथ। तो काफी बुरा लग रहा है और इन फ्यूचर मैं ऐसे नहीं करूंगा, और फैमिली के साथ भी अच्छी तरह से बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो दीदी को बहुत बहुत थैंक यू मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, और हमारी भांजी की बहुत बहुत थैंक यू प्लानिंग बनाने के लिए, लेकिन प्लानिंग फ्लॉप हो गई इनकी। प्लान बनाया था भांजी ने कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और मुझे सरप्राइज देंगे, तो कहां मैं ही इन्हें सरप्राइज दे रहा हूं। और भैया आ तो गए, केक एक लेके तो आ गए हैं, लेकिन यार मेरा गिफ्ट कहां है मुझे ये बताओ ना यार, गिफ्ट कहां है मेरा? एक केक से कुछ नहीं होगा, मुझे तो यह गिफ्ट चाहिए। क्या क्या गिफ्ट देना चाहते हो अपने मामा को, क्या गिफ्ट देना चाहते हो? अंडरवियर तो लाओ या और क्या लाओ, दो ना दो दो। बर्थडे में आएंगे यार विभिन्न में गिफ्ट गिफ्ट लेके, मेरे को अच्छा नहीं लगता यार, कैसे कैसे फकीर आदमी है यार बर्थडे में आ रहे हैं कि बिना गिफ्ट लेके। और हमारे जीजा जी कैमरे आने से बहुत शर्माते हैं, देखिए आप देखिए, हमारे जीजा जी बहुत हैंडसम है यार गाइस, हमारे जीजा जी बहुत हैंडसम है, देखिए आप। ये है गिफ्ट, गिफ्ट भाई ऐसा गिफ्ट लेके आए भाई, रात भर फ्रिज चलिए क्या? हाँ। तो रात भर फ्रिज चलने के कारण कौन सी पेप्सी है, पेप्सी में इसमें बर्फ जम गई है और पेप्सी का टेस्ट भी खराब हो गया होगा, ज्यादा बर्फ में पेप्सी का टेस्ट खराब हो जाता है। तो गाइज आज के ब्लॉग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगर आज को ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा थोड़ा सा भी तो यार लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा। तो गाइज यार, और ब्लॉग के दौरान किसी भी अपशब्द का मैंने प्रयोग किया होगा, और बर्थडे सेलिब्रेट पार्टी में तो आपको बताइए तरह तरह के लोग आते हैं और तरह तरह के मुंह होते हैं, तो यार सभी की एक तरह की सोच नहीं होती है, तो किसी न किसी के मुंह से थोड़ा अपशब्द निकल गया होगा या मेरे मुंह से अपशब्द निकल गया होगा, तो उसको इग्नोर करना है और ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना है गाइज। और पूरा पूरा ब्लॉग देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तो आपका बर्थडे भी आएगा और हम भी सेलिब्रेट करेंगे आपको, और आप भी एंजॉय करना, लेकिन आप घर में रहना ताकि आपके घर में कोई सरप्राइज देने आएगा तो आप उनके साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर सको, ना कि उन्हें एक सरप्राइज दे सको। सॉरी दी, मैं आपका छोटा भाई, मैं इस बर्थडे सेलिब्रेशन में भी आपको गुड न्यूज़ नहीं दे सका, तो बहुत सॉरी आपका नालायक भाई संतोष।